मतलब तुम पागल हो? हर मराठा पागल है, स्वराज का, शिवाजी राजे का, भगवे का। जिस तरह मिट्टी के हर कण में पहाड़ होता है, हर बीज में एक जंगल, हर तलवार में एक सेना, उसी तरह हर एक मराठा में छुपा है लाख मराठा। तो दोस्तों 2020 में रिलीज होने वाली सुपरस्टार अजय देवगन सर की हिस्टोरिकल बायोपिक फिल्म कान्हाजी का आज एक शानदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसके लीड में आपको अजय देवगन सर के साथ काजोल, सैफ अली खान, जगपति बाबू और शरद केलकर नजर आए हैं। बताए दोस्तों आपको कि ओम राउत के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म 2020 की एक मच अवेटेड फिल्म है, जो कि एक हिस्टोरिकल ड्रामा है। ये फिल्म दोस्तों भारत के वीर योद्धा तानाजी मालुसरे के ऊपर बनाई जा रही फिल्म है, जिसे कि अजय देवगन के बड़े प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस किया है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म का ट्रेलर अभी कुछ ही देर पहले रिलीज किया गया, जिसे कि ऑडियंस की तरफ से काफी शानदार रिव्यूज मिल रहे हैं। और दोस्तों ट्रेलर देखने के बाद एक बात क्लियर हो चुकी है कि यह फिल्म 2020 की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे कि सुपरस्टार अजय देवगन और काजोल की केमिस्ट्री ट्रेलर में ही काफी शानदार लग रही है। वही दोस्तों सैफ अली खान, जो कि इससे पहले अजय देवगन सर के साथ ओमकारा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं, उनकी भी दोस्तों इस फिल्म में काफी शानदार लुक नजर आ रहा है। डायलॉग डिलीवरी से लेकर दोस्तों इंटेंस रोल देख लो या फिर एक्शन देख लो, इस ट्रेलर से एक बात साफ जाहिर हो चुकी है कि यह फिल्म अजय देवगन सर के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने वाली है। साथ ही में दोस्तों इस फिल्म से सैफ अली खान का भी एक शानदार कमबैक होने वाला है, जो कि इस फिल्म में उदयभान राठौर का किरदार निभा रहे हैं। अजय देवगन और सैफ अली खान के बीच का जो युद्ध सीन है वो भी काफी शानदार है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म में एक्शन सीन्स, VFX और बैकग्राउंड म्यूजिक काफी दमदार है, जिसे कि ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। ट्रेलर देखने के बाद दोस्तों एक बात तो साफ है कि ये फिल्म अजय देवगन सर के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने वाली है। और हो सकता है दोस्तों कि ये फिल्म 2020 के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग 250 से 300 करोड़ की कमाई कर ले। हालांकि दोस्तों इस तरह की फिल्मों को बड़े मौके पर रिलीज किया जाना चाहिए था, जैसे कि क्रिसमस हो गया या फिर दिवाली, लेकिन दोस्तों कुछ बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों के होने के कारण यहां पर अजय देवगन की इस फिल्म को 10 जनवरी के मौके पर रिलीज किया जा रहा है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद ये फिल्म अपने पहले दिन लगभग 30 से 35 करोड़ की कमाई आसानी से कर सकती है। वहीं इस फिल्म का लाइफ टाइम लगभग 250 से 300 करोड़ का आसानी से हो सकता है। काजोल दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर में काफी खूबसूरत लग रही है। वहीं दोस्तों अजय देवगन और सैफ अली खान के बीच के भी केमिस्ट्री काफी शानदार है। आपको दोस्तों इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और तानाजी से जुड़ी हर बड़ी और छोटी न्यूज के लिए हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।